Again, welcome to all of you. My name is Solis Kumar Pandey, and today we are discussing about colligative properties. तो colligative property के बारे में हम लोगों ने previous lecture में कुछ technical terms थी जो हमने सीख ली. अब start करते हैं कि colligative properties होती क्या है. बेटा colligative properties वो properties होती हैं जो substance के अंदर या किसी विलयन solution के अंदर बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है. ठीक है, अब इसको समझिएगा. ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उन पर डिपेंड करता है. जैसे हमने NaCl लिया बेटा, ठीक है, हमने एक लीटर वाटर लिया और हमने NaCl उसमें डाल दिया. ठीक है, अब मान लीजिए हमने NaCl के 10 पार्टिकल लिए, हमने बाहर मान लीजिए किसी तरीके से हमने काउंट कर लिए, बाहर NaCl के कितने पार्टिकल हैं, 10 है, हमने उसे उसमें डाल दिया. ठीक है, और जब घोला तो NaCl क्या हो गया, घुल गया, मतलब Na प्लस अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया. तो हमने तो बाहर 10 पार्टिकल लिए थे लेकिन अंदर कितने हो गए, 20 पार्टिकल, क्योंकि 10 Na प्लस हो गया और 10 Cl माइनस हो गए. ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उन पर डिपेंड करता है. वो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके या तो आयन हो सकते हैं, नहीं तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और कोई नहीं होगा, एटम नहीं होगा. या तो वो सॉल्यूशन के अंदर या तो वो आयन्स की फॉर्म में आएंगे यानी कैटायन या एनायन की फॉर्म में, यानी धनायन या ऋणायन की फॉर्म में, नहीं तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आएंगे. ठीक है, यानी अणु के रूप में आएंगे और किसी अवस्था में नहीं आ सकते हैं. तो सॉल्यूशन विलयन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल की वजह से उस विलयन की, उस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंटिंग नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं. वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी, और रिलेटिव मतलब सापेक्षिक, यानी वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, डिप्रेशन मतलब कमी, अवनमन, हिमांक अवनमन, अवनमन मतलब कमी. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट, क्वथनांक उन्नयन, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी, और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब, इसको हम पाइस दिखाते हैं. ठीक है, अब जरा ये फॉर्मूले से इनको हम जल्दी समझ लेते हैं. ठीक है, तो होता क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आया कहां से, अभी ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो, कर लीजिए. ठीक है, बट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये फॉर्मूला आया कहां से. ये फॉर्मूला वहीं से आया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो रॉल्स लॉ था उसी से आया. क्या हुआ, हम यहां पे आपको समझा दे रहे हैं, ये यहां पर, ठीक है, इतने में ये जगह हमने इसीलिए छोड़ रखी थी. हमारा क्या था कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के केस में जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर यानी सॉल्यूशन प्रेशर, यही तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अभी पार्शियल तो होगा नहीं क्योंकि सॉल्यूशन पूरा होता है, तो वो आंशिक तो होगा नहीं, तो इसलिए इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो था वो किसके ऊपर था, वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्शियल वेपर प्रेशर के योग के बराबर था. तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था क्योंकि हम नॉन वोलेटाइल वाला ले रहे हैं राउल्ट्स लॉ का, तो नॉन वोलेटाइल के केस में सॉल्यूट तुम्हारा नॉन वोलेटाइल था, तो ये वाली टर्म जीरो हो गई थी, याद करिए. तो जब ये वाली टर्म जीरो हो जाती है, इसका मोल फ्रैक्शन नहीं जीरो हुआ था, इसका ये वाली टर्म जीरो हुई थी,
और जिसकी वजह से जब ये मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया था, जीरो हो गया था। तो ये जीरो, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन यानी विलयन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होता है। और जब इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो इसको हम ये भी लिख सकते थे, याद करिए, सॉल्वेंट माइनस सॉरी मल्टीप्लाई बाई सॉल्वेंट, ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये था, ठीक है। अब हम इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा बेटा पी सॉल्यूशन, फिगर ना करिए केमिस्ट्री में बेटा, डेरिवेशन नहीं आएगा, डेरिवेशन आपका फिजिक्स में आता है, यहां डेरिवेशन नहीं आएगा। यहां फिर भी हम आपको ये बता रहे हैं ये आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, सीधे आपको फॉर्मूले से रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल, इस चैप्टर से सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूले के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन फिर भी हम ये इसलिए करके बताएं ताकि आप समझ सको ये बना कैसे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अब इसको लेते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं, ठीक भाई, इसी को तो ओपन करके ही लिखा था, मान लीजिए हो गया, ठीक है, वही चीज हो गई, ठीक। तो अब इसको अगर हम इधर ले आते हैं सारे पार्शियल को, तो सॉल्वेंट हो गया और ये क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्वेंट, ठीक। अब आपको पता है कि ऊपर वाली टर्म हम मिटा दे रहे हैं या इधर की दे रहे हैं, ये आपका पी नॉट सॉल्वेंट है। आपको यह पता है कि अगर एक कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, ठीक है, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन, इन दोनों का जो एडिशन होता है, इसका सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट, ये एक के बराबर होगा। अभी हमने बताया था मोल फ्रैक्शन वाली क्लास में कि अगर आपको दो लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर एक विलयन बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अगर सॉल्यूट के अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है तो हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे मिलेगा, वन में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमारा बनेगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बनेगा, दिख रहा है बेटा, छोटा तो नहीं आ रहा है, देखिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वन माइनस एक्स सॉल्यूट, हम बार बार एक्स कह रहे हैं, ये एक्स नहीं है, जीटा है, पहले बता चुके हैं, बट ठीक है। तो ये वाली चीज हम यहां लिख सकते हैं, एक्स सॉल्वेंट को हम वन माइनस एक्स सॉल्यूट लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। तो एक्स सॉल्वेंट को जैसे ही हम लिखेंगे वन माइनस एक्स सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट कौन सा था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, याद करिए सॉल्यूट कौन सा था, नॉन वोलेटाइल, तो हम एनवीएस लिख लेते हैं, जो कि हमने अभी फॉर्मूले में अपने लिखा हुआ है, तो ये एनवीएस मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब वन को हम जब इधर भेजेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वन माइनस पी सॉल्यूशन, पी नॉट सॉल्वेंट, ठीक, और ये हो जाएगा एक्स एन वी एस एन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये अगेन फॉर्मूला हमारा ये आ गया, कैसे, अब इसको रब करते हैं, ठीक है, या आप इसको एलसीएम ले लीजिए यहां से, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई पी नॉट सॉल्वेंट, ठीक है। ये चीज जब आप लेंगे तो यही, और यही चीज हमने यहां लिखा है ऊपर, देखिए पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई पी नॉट सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू एक्स एनवीएस, इज इक्वल टू एक्स एनवीएस यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल प्रभाज,
ठीक है, डेरिवेशन आएगा नहीं, बस समझाने के लिए था। समझ में आ गया? नहीं समझ आया तो रिवाइज करके दो तीन बार देखो, या एक काम करो वीडियो लेक्चर बना तो रहे, इसको एक बार जब नोट्स बनाओ उसको लिखो अपनी तरफ से और उसको फिर समझो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बातें हो गई। तो फॉर्मूला हमारा ये बना, कैसे बना वो आपको नहीं देख लिया। तो रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव मतलब सापेक्षिक, किसके सापेक्षिक? सॉल्वेंट के। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म के रेस्पेक्ट में, विलायक के प्योर फॉर्म के वाष्प दाब के रेस्पेक्ट में जो कमी आ रही है, कमी हो रही है ना, हम घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके वेपर प्रेशर में इसका वेपर प्रेशर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या हो रहा, कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो यह हुआ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ऊपर वाली टर्म को अगर इसको हम गैप कर दें तो यह हुआ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी, वाष्प दाब में कमी, और अगर ये डिवाइड में हो गया तो ये पूरी टर्म हो गई रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको हम डेल्टा लिख सकते हैं। डेल्टा मतलब क्या होता था, याद करो फिजिक्स में आपने यूज किया है, जब भी डेल्टा होता था तो क्या करते थे, किसी को किसी से घटा रहे होते थे। तो रिलेटिव लोवरिंग, लोवरिंग देखो बेटा, ये देखो ये छोटा है ये बड़ा है हाइट में, ठीक है। अब ये बताओ यहां से यहां आना या यहां से यहां जाना, ठीक है। तो हम कमी किसको कहेंगे, बड़े से छोटे में आना ये कमी हुई कि छोटे से बड़े में जाना, तो बड़े से छोटे में आना कमी हुई ना, ये हुई कमी, ठीक। यहां पे देखो वेपर प्रेशर हमेशा किसका जाता होता है, जो प्योर फॉर्म होता है किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की जो प्योर फॉर्म होती है उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम होगा। तो हम बड़े में छोटे को घटा रहे हैं, बड़े से छोटे में आ रहे हैं, तो ये हुई कमी, बड़े में छोटे को घटा रहे, ये हुई कमी। समझ में आई बात? तो ये हुआ हमारा, ये हुआ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये जब डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। याद रख लो किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। अरे ऐसे समझ लो एक कंटेनर में पानी ले लो उसको उबालो, और उतने ही टेम्परेचर और उतने ही, एक लीटर अगर पानी लिया तो एक लीटर पानी और ले लो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, या चाय के तरीके से जैसे नमक ना डाल के चीनी डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, ठीक है, और दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखो, देखो कौन जल्दी उबलेगा, ये जल्दी उबल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका वाष्प ज्यादा बन रहा था, ठीक है। समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, तो बस वैसे समझो, क्योंकि ये प्योर फॉर्म था, प्योर फॉर्म का वेपर्स जल्दी बनते हैं तो जल्दी बनेंगे, तो जल्दी वो क्या करेंगे, दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो जो प्योर फॉर्म होती है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जो सॉल्यूशन आपका, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। तो घटाया तो ये लोवरिंग वेपर प्रेशर, और डिवाइड कर दिया इससे तो रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को हम डेल्टा पी कह दिया, और ये तो ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, किसके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। चाहे इन दोनों को बराबर कर दो, चाहे इन दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। वैसे इन दोनों को ज्यादा करने वाला आता है, ये वाला थोड़ा सा कम आता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा।